नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों आज हम सोयाबीन का सब्जी बनाएंगे तो हम अलग तरीके से बनाएंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए सोयाबीन है, तेजपत्ता दूठी है, लहसुन है 4-5 कलियाँ, अदरक का टुका है, हरा मिर्चा है 3 ठी, बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुका है, कसूरी मेथी है, 3 प्याज है 3 ठी, 3 टमाटर है, 2 आलू है, आलू गली हुई रखे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्याज के काट लेते हैं, इसके काट के हम छोल लेते हैं। प्याज के हम काट लिया, प्याज के हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर हम ले लिया है, अब टमाटर के हम धो लेते हैं पहले। इसका टमाटर के हम काट लेते हैं, टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। टमाटर हम काट के रख लिया, इसका पेस्ट लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं। आलू को हम छिलका उतार दिया, आलू के हम काट लेते हैं, इसके हम मोटा मोटा आलू काटेंगे, ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे। आलू को हम काट के रख लिया, पीस लिया है पेस्ट, पेस्ट के बना लिया है। और इसके हम ढक्कन खोल लेते हैं, इसके हम एक प्लेट में रख देते हैं निकाल के। प्याज के पेस्ट हम बना लिया है, अब टमाटर पेस्ट हम मिक्सर मशीन में डाल के पीस लेते हैं। हरा मिर्चा भी हम टमाटर में पीस लेते हैं, इसके हम 2 भाग में काट के टमाटर में डाल देते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं, इसका हम ढक्कन लगा देते हैं। टमाटर का हम पेस्ट बना लिया है, अब इसका हम ढक्कन खोल लेते हैं। इसके हम एक कटोरी में कुरई लेते हैं। सोयाबीन के हम पानी में उबालेंगे, गर्म पानी में गैस चालू करके हम तो एक बर्तन ले लिया तपेला, और तपेला में पानी हम ले लिया भिगा दे, इसके पानी हम उबालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, पानी उबल गया है, अब इसमें हम सोयाबीन डाल देते हैं, इसके हम चला देते हैं और गैस के हम बंद कर देते हैं। इसका गर्म पानी हम छान देते हैं। इसमें हम 1 लोटा पानी ठंडा डाल देते हैं, इसके हम गार गार रख लेते हैं, इसका पानी हम सब गार के निचोड़ के रख देते हैं, इसका पानी सब हम निचोड़ के रख देते हैं। सोयाबीन का हम पानी सब निचोड़ के रख लिया है, गैस हम चला लेते हैं और कढ़ाई हम धई देते हैं चूल्हे पर, अब रिफाइन तेल हम डाल देते हैं कढ़ाई में। तेल गरम हो गया है, अब सोयाबीन के हम फ्राई कर लेते हैं, डाल देते हैं, चिकन चला देते हैं। इसके हम सोयाबीन के ब्राउन कलर तक इसके फ्राई करेंगे,
सोयाबीन ना गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है, फ्राई हो गया है। अब इसके हम निकाल लेते हैं, एक थाली हम रख लेते हैं। इसमें हम तेल थोड़ा और डालेंगे, अब आलू के हम फ्राई करेंगे। जो आलू हम काट के रखा था उसके हम आलू के फ्राई कर लेते हैं। इसके हम चला देते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर में आलू हो गया है, लाल में हम आलू को अब निकाल लेते। गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है आलू, निकाल लेते हैं। अब इसमें हम सरसों तेल डाल देते हैं 2-3 चम्मच। तेल गरम हो गया है, अब हम जीरा 1 चम्मच डाल देते हैं। तेज पत्ता हम डाल देते हैं, बड़ी इलायची डाल देते हैं, दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं। इसके हम चला देते हैं। अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, लहसुन का पेस्ट है। प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। इसके हम अच्छा से भूजेंगे। इसके हम अच्छे से भूजेंगे, इसके हम गोल्डन ब्राउन तक भूजेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है और अच्छा से पक गया है और लाल में हो गया है। अब इसके हम टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं, जो पीस के रखे थे इसके हम डाल देते हैं। टमाटर का पेस्ट हमारा पक गया है, अब हम मसालेदार हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चा कश्मीरी है, इसमें हम सब मसाले डाल देते हैं। इसे हम अच्छा चलाएंगे। मसाले हमारे पक गया है और तेल में तेल छोड़े लगा है मसाले में से, और महक भी बहुत अच्छा आता है। सोयाबीन फ्राई करके रखा था और आलू फ्राई करके रखा था, अब इसके हम डाल देते हैं। इसके हम अच्छा से मिला लेते हैं। एक चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। इसके हम अच्छा चला देते हैं। कसूरी मेथी डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी अपने पसंद से कम बेसी कम कर सकते हैं।
पानी हम अपने जरूरत तक हिसाब से डाल लिया है, आप पानी कम बेसी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, इसके हम चला देते हैं अच्छा से मिलाए के नमक, और इसके हम ढाक देते हैं 5 मिनट तक। अब इसे हम उबाल लेते हैं और सब्जी के हम देख लेते हैं सोयाबीन के, इसके हम चला देते हैं। गैस के हम बंद कर देते हैं। देखिए सोयाबीन में हमारे कितना अच्छा खुशबू भी आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छा महक भी आ रहा है सोयाबीन। देखिए हमारे सोयाबीन देख सब्जी कितनी अच्छी बनी हुई है, और इसी तरह एक बार जरूर बनाएं, और खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।